अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के नामजद मीर हासिल बजुंजो कौन है, सियासी कैरियर, तालीमी काबिलियत के बारे में बताएंगे। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मीर हासिल बजुंजो ने 1958 में ज़िला खिजदार की तहसील नाल में बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर मीर गौस बख्श बजुंजो के घर में आँख खोली। इब्तदाई तालीम मिडल हाई स्कूल नाल से हासिल की। जब उनके वालिद को बलोचिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया उस वक्त वो सातवीं जमात में थे। उनका ख़ानदान कोयटा आ गया जहां उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। 1977 में मैट्रिक करने के बाद 1969 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा से इंटर किया। 80 की दिहाई में कराची चले गए जहाँ जामिया कराची से ऑनर्स करने के बाद फ़लसफे में मास्टर्स की सनद हासिल की। 8 अगस्त 1988 को शादी हुई। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। उनके तीन भाई थे। हासिल बजुंजो खेलों में फुटबॉल और वॉलीबॉल में दिलचस्पी रखते हैं। फिल्म बीनी और मौसीकी का शौक भी रखते हैं। हासिल बजुंजो के अबाउजदाद 7 पश्तों से बलोचिस्तान में आबाद हैं। उनके दाद फ़कीर मोहम्मद बजुंजो मेहराब खान के ज़माने में मकरान डिवीज़न में 40 साल तक खान ऑफ कलात के नायब रहे। हासिल बजुंजो ने 70 की दिहाई में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से सियासत का आगाज़ किया। 1972 में BSO नौलजून के सदर और बाद में तंजीम के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1997 में BSO और BSO अवामी के इत्तेहाद के खिलाफ तंजीम से अलहदगी इख्तियार की। हासिल बजुंजो जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तुलबा के खिलाफ तश्कील दिए जाने वाले कौम परस्त और तरक्की पसंद तुलबा के इत्तेहाद यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 1985 तहरीक बहाली जमहूरियत MRD में मुतहरिक रहे। 1988 में पाकिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और नाल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। 1979 में वालिद की वफात के बाद पाकिस्तान नेशनल पार्टी की सरगर्मियों में ज़्यादा फाल हो गए जिसकी क़्यादत उनके बड़े भाई मीर बेज़न बजुंजो ने संभाली। बेज़न बजुंजो 1990 के आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर कामयाब हुए। बाद अज़ां एक नशस्त छोड़ दी जिस पर हासिल बजुंजो ने इंतखाब लड़ा और पहली दफ़े कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1996 में हासिल बजुंजो पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सदर मुंतखब हुए। 1997 के आम इंतखाबात में वो दूसरी बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। जनरल परवेज़ मुशरफ के दौर में हकूमत के खिलाफ तकरीर करने की पादाश में उन्हें कुछ अरसा कैद भी काटनी पड़ी। 2002 में उनकी पार्टी और बलोच नेशनल मूवमेंट का इल्हाक हुआ और नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी गई जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर अब्दुल हया बलोच और डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हासिल बजुंजो मुंतखब हुए। पार्टी के पहले कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी और दूसरे कन्वेंशन में सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। जमहूरियत के लिए अक्सर आवाज़ उठाने वाले हासिल बजुंजो ने 2008 के आम इंतखाबात का बायकॉट किया था लेकिन 2009 में सेनेट के इंतखाब में नेशनल पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए। हासिल बजुंजो वफाक में मुस्लिम लीग नवाज के हामी और मजबूत इत्तेहादी रहे हैं। सन 2013 के इंतखाबात में उनकी जमात ने मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद किया जबकि 2014 में नेशनल पार्टी के सदर मुंतखब होने के बाद हासिल बजुंजो को 2015 में बंदरगाह और शिपिंग की वजारत मिली थी। पाकिस्तान की ओपोजिशन जमातों ने ऐवान बाला में सादिक संजरानी की जगह बलोचिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले सेनेटर हासिल बजुंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। सेनेटर हासिल बजुंजो को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला ओपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी ने किया जो कल जमाती कॉन्फ्रेंस के ऐलान के नतीजे में कायम हुई। दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।